नमस्कार दोस्तों, मैं सनी और आप देख रहे हैं आई एम एन इंडियन चैनल। तो दोस्तों, आज का जो चर्चा है वो इस प्रकार है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मुरली डीवी के बारे में। मुरली डीवी डीबी लैब्स के संस्थापक है, जो सक्रिय दवा सामग्री एपीआई के शीर्ष 3 निर्माताओं में से एक है। डीवी अपने हाथों में $7 लेकर अमरीका गए और $40,000 लेकर वापस आए, जबकि एक फार्मासिस्ट के रूप में काम करते हुए $65,000 प्रति वर्ष कमाते थे। पिछले एक साल में डीबी की संपत्ति दोगुना से अधिक बढ़कर $10 बिलियन से अधिक हो गई। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के छोटे से शहर से लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपया यानी कि $17 बिलियन से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ एक कंपनी की स्थापना करने तक मुरली डीबी के ने हारून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में खुद को खोजने के लिए एक लंबा सफर तय किया। हारून सूची में नवीनतम अपडेट 79,000 करोड़ की संपत्ति के साथ मुरली डीबी वाडिया मिस्त्री गोदरेज और अग्रवाल जैसे पुराने मनी मैग्नेट को पीछे छोड़ते हुए भारत के 14वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जो बात इसे और भी बेहतर बनाती है वो ये है कि डीबी के पिता ने प्रतिमाह ₹10,000 की मामूली पेंशन पर 14 लोगों के परिवार का प्रबंधन किया। दरअसल मुरली डीबी या गिरीश मातृभूतम जैसे लोग की कहानी के रूप में देश के विकास के चालकों में से एक के रूप में भारत के छोटे शहर के उद्भव का वर्णन कुछ भी नहीं करता। जिनके पिता एक बैंक अधिकारी थे, आज डीबी लैब्स का बाजार पूंजीकरण 1.28 लाख करोड़ है, जो 23 मार्च 2020 को लगभग 3 गुना था। जब भारत कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन में चला गया था, 4 अक्टूबर को मर्क और रिज बैंक के ओरल एंटीवायरल मोलनूपिराविर के लिए अधिकृत निर्माता के रूप में चुने जाने के बाद स्टॉक ने अपने मूल्य में और 10% जोड़ा, जो परीक्षण के अधीन है। और अब तक के परिणाम बताते हैं कि ये रोगियों के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता को कम कर सकता है, कोविड-19 के हल्के या मध्यम मामले के साथ। अन्य कंपनियों की तुलना में डीबी लैब्स के शेयर मूल्य को अन्य कंपनियों की तुलना में दूसरी कक्षा में भेजने के लिए इसकी पूंजी का प्रभावी उपयोग और 2020 में अमेरिकी फार्मा कंपनियों को एपीआई की आपूर्ति का विस्तार करना है। भले ही दुनिया चीन के लिए आपूर्ति श्रृंखला को बंद करने से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है, फार्मा क्षेत्र महामारी के बाद से मुरली डीबी की संपत्ति दोगुने से भी अधिक हो गई है, जो 2020 की शुरुआत में $4 बिलियन से थोड़ा कम थी, अब $10 बिलियन से अधिक हो गई है। अमेरिकी सरकार कुछ वर्षों से अधिक सामान्य संस्करणों को मंजूरी देकर दवाओं की कीमत को कम करने के लिए मजबूर कर रही है। एविंट कैपिटल के विश्लेषकों के अनुसार यह जारी रहने की संभावना है और ये और भी खराब हो सकता है, लेकिन डीबी के लिए ये कोई अनोखी समस्या नहीं है। अन्य कंपनियां जैसी सनफार्मा, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज आदि भी समान मूल्य निर्धारण दबाव का सामना कर रही है। यूएसए फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने महामारी के मद्देनजर भारत से निर्यात की जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता पर अपनी निगरानी ढीली कर दी थी। हालांकि USFDA के फेरीवाले विनिर्माण संयंत्र में औचक निरीक्षण के अपने पुराने तरीकों पर लौट सकते हैं, और ये सभी कंपनियां के लिए एक जोखिम है। एम्बिट कैपिटल के अनुसार
बढ़ा हुआ अनुपालन बोझ फार्मा कंपनियों के लिए दोधारी तलवार साबित हो सकता है, जिसमें डीबी की लैब्स भी शामिल है। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से देश में दूसरी सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी बनने के लिए डीबी के रहस्यों में से एक इसकी क्षमता को बढ़ाने और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लागत में कटौती करने की क्षमता है। ये अभी भी विरासत उत्पादों की आपूर्ति कर रहा है। इन उत्पादों में अपनी ताकत और निरंतर मांग दोनों दिख रहा है। इसकी वृद्धि का अगला चरण 16 नए अणुओं से आने की उम्मीद है, जिन पर ये वर्तमान में काम कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी सितंबर की रिपोर्ट में कहा, जिसमें कहा गया था कि डीबी लैब्स के शेयर 5,750 रुपया तक जा सकते हैं अगले 10% एक वर्ष में। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि डीबी लैब का बड़ी फार्मा कंपनियों के साथ मजबूत संबंध है, जिसमें मर्क, फाइजर और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन सहित शीर्ष 10 नव प्रवर्तकों में से 6 शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है डीबी क्लिनिकल मात्रा और बड़े व्यावसायिक स्तर पर दोनों की आपूर्ति कर सकती है। इस प्रकार एपीआई अनुसंधान से लेकर वाणिज्यिक निर्माण तक नव प्रवर्तकों का समर्थन करता है। चीजों को बदतर बनाने के लिए कमजोर अंग्रेजी के कारण डीबी ने अपनी इंटरमीडिएट परीक्षा, जो कि उच्चतर माध्यमिक के समकक्ष होता है, 2 बार विफल कर दी। हालांकि हार मानने और अपनी असफलताओं के लिए खुद को इस्तीफा देने के बजाय डीबी ने दोगुना हो गया और अपने बड़े भाइयों की तरह एक रसायनज्ञ बनने के बजाय एक फार्मासिस्ट के रूप में अमेरिका जाने का अवसर हड़प लिया। फोर्ब्स इंडिया के अनुसार जब डीबी ने 1976 में राज्यों के लिए भारत छोड़ा, तब वो 25 साल का था और उसके हाथ में $7 थे। वहां से उन्होंने ट्रिनिटी केमिकल और फिक केमिकल जैसी अमेरिकी कंपनियों में प्रति वर्ष $65,000 का वेतन प्राप्त किया। वो जल्द ही अपनी पत्नी और बच्चों के साथ $40,000 और भविष्य की कोई योजना नहीं लेकर भारत वापस आए। वो प्रभा के साथ चला गया और 1984 में कल्लम अंजी रेड्डी के साथ मिलकर चेमिनोर का निर्माण किया, जिसे बाद में 2000 में डॉक्टर रेड्डी की प्रयोगशालाओं के साथ विलय कर दिया गया, जिसकी सह स्थापना भी रेड्डी ने की थी। 6 साल बाद डीबी ने अपनी खुद की फार्मा कंपनी डीबी लेबोरेटरीज की स्थापना की। हैदराबाद में मुख्यालय कंपनी सक्रिय दवा सामग्री एपीआई और मध्यवर्ती बनाती है। एपीआई प्रमुख इनपुट है जो एक दवा बनाने में जाते हैं। 1990 में कहीं से भी डीबीज लैब अब दुनिया के शीर्ष 3 एपीआई निर्माताओं में से एक है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो की कुछ बातें। तो आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैनल वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसके बगल में बेल आइकॉन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि फ्यूचर में मेरे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंचता रहे। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करके दूसरों को देखने का मौका दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत माता।